हेलो स्टूडेंट्स, आई एम उमेश चंद्र यादव फ्रॉम एलएसएस नेशनल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नरौली जौनपुर। टुडे आई विल डिस्कस इन अबाउट द न्यूट्रिशन व्हिच इज रिलेटेड विद इन द क्लास 7 साइंस। सब्जेक्ट आपका साइंस है क्लास 7। 7 में पहला चैप्टर न्यूट्रिशन से है संबंधित, जिसके बारे में हम आप चर्चा करें। न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। पोषण में हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अपने शरीर के ग्रोथ के लिए, शरीर के प्रोटेक्शन के लिए, तमाम प्रकार के रोगों से बचने के लिए हम भोजन को इनटेक करते हैं, और जो हम खाते पीते हैं वह पोषण के अंतर्गत आता है। इसके लिए हम भोजन लेते हैं और भोजन में तमाम प्रकार के आइटम्स मिले होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, जिसका यूटिलाइजेशन हमारे शरीर में होता है, और उस एक एक कंपोनेंट से तमाम प्रकार के कार्य हमारे शरीर में होते हैं। इसको पहले हम डिफाइन करेंगे कि इनटेक द फूड मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ द बॉडी ग्रोथ, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंतर्गत भोजन को लेने का तात्पर्य, क्योंकि भोजन से हमारा ग्रोथ होता है, हमारे शरीर में तमाम प्रकार के टिश्यू जो डैमेज होते हैं उनकी रिपेयरिंग होती है, इसके साथ साथ जो हमको रोग से बचाने का भी काम करता है, इसके लिए हमको पोषण जरूरी होता है, और बिना भोजन के हम जिंदा भी नहीं रह सकते, या कोई भी जीवित प्राणी जिंदा नहीं रह सकता है। इस नाते से उसके लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें तमाम प्रकार के कंपोनेंट्स, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट पदार्थ यानी पोषक पदार्थ होते हैं, जो उनके अलग अलग कार्य होते हैं। पहला पोषक पदार्थ जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का नाम लिया, कार्बोहाइड्रेट नंबर वन, कार्बोहाइड्रेट शरीर में कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड माना जाता है। जब तक हम या कोई भी ऑर्गेनिज्म कार्बोहाइड्रेट नहीं लेगा तब तक उसको एनर्जी नहीं मिल सकती, तो इसको कहा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिविंग एनर्जी टू द बॉडी। किसी भी कार्य को करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और वह ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सेकेंड आपका है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है, और बिना प्रोटीन के कोई भी टिश्यू आगे नहीं बढ़ता, कहने का मतलब उसका वृद्धि और विकास रुक जाता है। इस नाते से प्रोटीन के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं दैट इज ए टाइप ऑफ द बॉडी बिल्डिंग फूड, इसको बॉडी बिल्डिंग फूड मानते हैं। थर्ड आता है फैट।
फैट, इसी प्रकार से यह भी ज्यादा अमाउंट में हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। फोर खाता है विटामिन, यह एक प्रकार से तमाम प्रकार के रोगों से हमको सुरक्षित रखता है। विटामिन में देखा जाए तो कई प्रकार के विटामिन होते हैं, उसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे इसके बारे में डिटेल रूप से। लेकिन विटामिन एक प्रकार से हमारे शरीर में जो प्रोटेक्टिव फूड प्रोटेक्शन का काम करता है, इसको कहा जा सकता है। तो रोगों से बचने के लिए हम विटामिन लेते हैं। इसके साथ साथ अगला आता है मिनरल। मिनरल की भी आवश्यकता हमारे शरीर में पड़ती है, जैसे हमारी हड्डी जो होती है ये मिनरल की बनी है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट। दांत भी मिनरल से बने होते हैं। इसके साथ साथ वाटर, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं और बिना वाटर के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। वाटर की 80% मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए और प्रोटोप्लाज्म का लगभग 90% वाटर से ही बना होता है। इस तरीके से ये न्यूट्रिएंट हो गए। न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट इज पार्ट ऑफ द एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड हो गया प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड, फैट से इट गिव ग्रेट अमाउंट ऑफ द एनर्जी एंड विटामिन, दैट इज ए टाइप ऑफ द प्रोटेक्टिव फूड। इसके साथ साथ मिनरल, मिनरल के माध्यम से हमारे हड्डी और दांत बनते हैं, और भी मिनरल की जरूरत पड़ती है तमाम प्रकार की फिजियोलॉजी में। साथ साथ यह एक प्रकार से सॉल्वेंट का काम करता है हमारे शरीर में, इसके बाद प्रोटोप्लाज्म को बनाने का काम करता है। अगला देखते हैं, जैसे भोजन को लेने के बाद एक प्रक्रिया होती है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मटेरियल। भोजन हम जब बाहर से लेते हैं तो लेने के बाद ये भोजन टूट जाता है, जिसको कहते हैं डाइजेशन। तो इसको डिफाइन भी किया जा सकता है कि डाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द सलीवा एंड एंजाइमेटिक एक्शन। कहने का मतलब कि जो सारा भोजन हम लेते हैं, लेने के बाद ये छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, इसको कहते हैं डाइजेशन। इसके लिए वर्ड है डाइजेशन। आप समझ गए होंगे, डाइजेशन एक प्रकार से हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है, जल अपघटन की प्रक्रिया होती है। कोई भी भोजन अपने कॉम्प्लेक्स रूप में होता है, इसको तोड़ने के लिए हम जो है इसको जैसे चबाते हैं साथ साथ नाक में मिलाते हैं, तो यह भोजन छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और बाद में चल करके यह एब्जॉर्ब होता हमारे शरीर में और वो जाता सेलों तक। सेल, अब नाम आ रहा सेल, सेल सेल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। मैंने आपको बताया आफ्टर द डाइजेशन ऑल फूड मटेरियल इज एब्जॉर्ब इन द सेल। सेल की चर्चा करते हैं। सेल एक प्रकार से जीवन की इकाई मानी जाती है। सेल को कहते हैं दैट इज यूनिट ऑफ द लाइफ। जिस प्रकार से एक एक ईंट से इस पूरे दीवार का निर्माण होता है, उसी प्रकार से एक एक सेल मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। इसको यूनिट ऑफ लाइफ मानते हैं। क्या मानते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ, यह जीवन की इकाई होती है। सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको डिफाइन भी किया जा सकता है, आप लिख भी सकते हैं द सेल, द सेल इज, यहां लिखते हैं द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहां दो वर्ड आपको मिल रहा है,
नंबर एक स्ट्रक्चर और नंबर दो पर फंक्शनल। इसको हम समझाते हैं, स्ट्रक्चरल का मतलब हो गया संरचनात्मक। जैसे कोई बॉडी होती है उसकी कोई ना कोई संरचना होती है, तो उस संरचना को बनाने के लिए ये सेल्स जो होते हैं तत्पर होते हैं, सेलों के माध्यम से उसके बॉडी का निर्माण होता है। इस नाते से इसको कहते हैं द सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड है फंक्शनल। इसको फंक्शनल यूनिट क्यों मानते हैं कि क्योंकि सारी क्रियाएं जो शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वह सेल के अंदर ही होती है। जैसे रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर होता है, सेल डिवीजन सेल के अंदर से होता है, इसके साथ साथ और भी एक्टिविटीज एब्जॉर्प्शन यह भी सेल के अंदर होता है। तो जो भी जितनी भी फंक्शनल क्रियाएं होती हैं, जो शारीरिक एक्टिविटी होती है या जिसको कहते हैं फिजियोलॉजी या थायरेटी, तो वो सेल के अंदर पाई जाती है। इस नाते से इसको कहते हैं दैट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप कह सकते हैं, एक लाइन में लिख भी सकते हैं, द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट मॉड ऑफ न्यूट्रिशन के।